दोस्तों, दुनिया इस समय जहां कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया एक और संकट का सामना कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में चूहों ने आतंक मचा रखा है। जी हां, वहां पर चूहों की संख्या में एकदम से हुई बढ़ोतरी के बाद इसे प्लेग घोषित किया गया। चूहों की वजह से ऑस्ट्रेलिया के किसान भी परेशान हैं। चूहे उनकी फसल को नष्ट कर रहे हैं और अब वहां की सरकार ने इन चूहों को मारने के लिए भारत से प्रतिबंधित जहर की मांग कर दी है। क्या पूरा मामला है वो बताते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में चूहों के आतंक से लोग परेशान हैं। ये चूहे न केवल कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि अब ये घरों में भी घुस गए हैं और अब ये चूहे बिजली के तार चबा रहे हैं, जिससे घरों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सूखे की मार झेल रहे ऑस्ट्रेलिया के किसानों को उम्मीद बंधी थी कि अच्छी बारिश के बाद उनकी कमाई होगी, लेकिन चूहों ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया और अब वहां की सरकार इन चूहों से निपटने के तरीके लगातार खोज रही है। कृषि मंत्री एडम मार्शल कहते हैं कि हम अब एक क्रिटिकल पॉइंट पर हैं, जहां पर अगर वो वसंत तक चूहों की संख्या को कम नहीं कर पाते तो हमें एक पूर्ण आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया में चूहों का आतंक इस कदर हो चला है दोस्तों कि चूहे खेतों, घरों, छत, फर्नीचर से लेकर स्कूल और अस्पताल तक पहुंच गए हैं और वहां पर लोग चूहों के मलमूत्र और सड़ने की बदबू से बहुत ज्यादा परेशान हैं। इससे कई लोगों के बीमार होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब चूहों के संकट से निपटने के लिए ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत का रुख कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से 5000 लीटर प्रतिबंधित जहर यानी कि ब्रोमाडियोलोन मंगवाया है। हालांकि इस जहर का कृषि भूमि पर इस्तेमाल कैसे हो सकेगा, इसका इंतजार अभी करना बाकी है और आगे क्या कुछ उसमें बदलाव किए जा सकते हैं वो अभी देखना जरूरी होगा। आपको ये खबर, ये जानकारी कैसी लगी, जरूर कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। नमस्कार।